प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है फॉलोअप। और दोस्तों फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो आपको फॉरगेट नहीं कर सकता आप इसको। अगर आप प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए आपके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये गणित है जो मैं थोड़ी देर वाले बताऊंगा आपको आगे चल के कि फॉलोअप पहली बार फॉलोअप करने से कितने रिजल्ट आते हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट कब कन्वर्ट होते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मेरे को लगता है कि आप फॉलोअप को समझ जाएंगे। दोस्तों फॉलोअप करने से ही हमारे बिजनेस में बहुत सारा पैसा आता है, धन आता है, सोना लगा हुआ है। अगर आपको सोना खरीदना है तो धन कमाना पड़ेगा, और धन कमाने का हमारे बिजनेस में एक ही तरीका है कि दोस्तों आपको लाखों टन मिट्टी उठा के सोना निकलता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का फॉलोअप जब आप करते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं मुट्ठी भर जो आपकी जिंदगी बनाते हैं और आप खुद की जिंदगी बनाते हैं, और इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है दोस्तों। और उस प्रोसेस का नाम ही फॉलोअप है। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, ये एक ऐसी मतलब स्किल है जिसको हर इंसान डेवलप कर सकता है, बस करना चाहता है कि नहीं दोस्तों, क्योंकि ये कोई किसी के जन्मजात अधिकार नहीं है कि वही किकन सिंह चौधरी ही अच्छा फॉलोअप कर सकते हैं या फलाने सिंह जी ही अच्छा फॉलोअप कर सकते हैं। ये हर इंसान जो सीखना चाहता है वो कर सकता है। हो सकता है कि बचपन में हमसे बोला गया हो कि नाकाबिल तू कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों ये झूठी कहानी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आप कहानी मानिए। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में है, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं। यह सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको बार बार सिखाता है, आप हमारे ग्रेट मेंटर लोगों के साथ हैं और यहां मेंटरशिप दी जाती है। दोस्तों दुनिया में लाखों रुपए लोग लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा करके आते हैं तब कुछ सीख के आते हैं, और लाइव प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है। दोस्तों यहां कुछ भी खर्चा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल आपको एक ज्वाइन करना है और इसके साथ आपको एक बिजनेस मिलता है और हम इसको सीखते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं बार बार बोलता हूं, और इसको करने के लिए एक ही तरीका है, फॉलोअप। फॉलोअप कब से शुरू होता है दोस्तों? फॉलोअप जैसे आप प्लान देते हैं तभी चालू हो जाता है। जैसे आप किसी को प्लान देने जाते हैं, आप उससे बोलते हैं चले सर एक बिजनेस लेकर आया हूं, तो बोलता है जैसे आप बिजनेस बोलते हैं बोलता है वो तो नहीं है भाई, नेटवर्किंग बंद कर भाई बंद कर। तो आप उसको जैसे वो बोलता है बंद कर, तो आप उसको कोशिश करते हैं यार जुड़ना मत जुड़ना, एक बार देख तो लो। फिर वो बोलता है नहीं नहीं यार मुझे ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं है। फिर आप कोशिश करते हैं, फिर आप प्रयास करते हैं, फिर आप बहुत कोशिश करते हैं, फिर वो राजी हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं, वाह भाई वाह, प्लान सुनने के लिए तैयार हो गया। पर दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा, इस प्रोसेस में भी आदमी प्लान सुन लेता है और रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ जाइए उसका प्रॉपर हमें कितनी बार फॉलोअप करना है, आज वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये बार बार फॉलोअप की वजह से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, फॉलोअप के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं फॉलोअप नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों फॉलोअप में आपको दो चीजें बहुत जरूरी समझनी है, जिसमें सबसे पहली चीज ये समझनी है कि जब भी आप फॉलोअप करने जाएं तो थोड़ी सी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। किस चीज की जानकारी होना जरूरी है? आपको थोड़ी कंपनी की जानकारी होना जरूरी है, आपको सिस्टम की जानकारी होना जरूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे उनकी जिंदगी बदल सकता है। दूसरा प्रोडक्ट की थोड़ी नॉलेज होना आपको जरूरी है, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है, कितना तगड़ा प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, क्या हमारे प्रोडक्ट में दमदारी है। ये हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है पर थोड़ा थोड़ा हमें जरूर जानकारी इसकी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों थोड़ा हम नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम इंडिया की 21 साल पुरानी कंपनी में काम करते हैं। ये जैसे आप जान लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों आपको ये जानना होगा हाईएस्ट टर्नओवर कंपनी में आप काम करते हैं, आपको इस बात पर जानते ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलते हैं, ये जानकर आपका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये जानकारी जो भी आदमी फॉलोअप करने जा रहा है उसको अपनी कंपनी के बारे में, सेफ शॉप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये पता लगा लेते हैं तो हमें फॉलोअप करने में मजा आ जाता है। क्योंकि दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखनी है आपको, फॉलोअप में कोई भी आदमी ना तो आपसे मैथ पूछने वाला है, ना फिजिक का सवाल करने वाला है ना, और ना कुछ विज्ञान की बातें करने वाला है कि भाई ये बता दे, साइंस का कोई क्वेश्चन कर पूछने वाला हो कि भाई जहाज कैसे उड़ता है ना। यहां पर पूछने वाला है कि नेटवर्किंग क्या है, सेफ शॉप क्या है, और आपके प्रोडक्ट क्या है, और इससे मैं जिंदगी कैसे बना सकता हूं। तो दोस्तों बहुत ही आसान चीज है, इसको एक बार समझ लीजिए। बस कुछ जानकारी इकट्ठी करने के बाद हम इसको कर सकते हैं। तो दूसरी जानकारी हमें इकट्ठा करनी है, कंपनी जान ली, सिस्टम जान लिया, अब हमें जानकारी करनी है कि MLM क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमारा बिजनेस क्या है। दोस्तों ये स्लाइड हम बार बार बताते हैं पर क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा बोलती है, सिस्टम हमेशा बोलता है, सेम चीजों को बार बार बताएंगे और सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा।
तो दोस्तों दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्किंग क्या है। सबसे पहले हमें समझाना पड़ेगा एक प्रॉपर सेलिंग, जो पहले से सालों से जो सेलिंग होती चली आई है। एक मैन्युफैक्चरर होता है, फिर एक सीएंडएफ एजेंट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर डीलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर एक कस्टमर होता है। ये पहले से जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो अभी जो मार्केटिंग है वो एक समझाना पड़ेगा। फिर हमें समझाना पड़ेगा हमारी डायरेक्ट सेलिंग। हमारी डायरेक्ट सेलिंग में बताना पड़ेगा, सर अगर आप हमारे पास आते हैं तो सीधी हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम सीधा बनाते हैं और कुछ चीजों को बनवाते हैं और कुछ ब्रांड से लेते हैं और सीधा हम आपको देते हैं। तो जो बीच का मार्जन है, जो 60-70% जो बीच का मार्जन है सर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इसमें आप इस मार्जन से आप अपने सपनों की कार खरीद सकते हैं, आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं, आप अपने सपनों के बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। ये चीज हमें समझाना होता है, ये थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। पर हमको जानकारी क्या होती है, नए लोगों को फॉलोअप करने क्यों नहीं जाने, अरे यार हम मेंबर बन गए, अब हमको मेंबर बनाना ना, किसी को मेंबर ना बनाना है ना बनना, क्यों? क्योंकि ये इसको मैं बोलता हूं, इसको जागरूकता की कमी बोल सकते हैं, अवेयरनेस की कमी बोल सकते हैं, इसको लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी नॉलेज आप बढ़ा लो और थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। आपके द्वारा प्रोडक्ट खरीदा गया पहला, फिर उसको क्या किया गया, कुछ समय तक आपने उस प्रोडक्ट का आनंद लिया, इस्तेमाल किया और आपने उसको परखा। जैसे नोनी लिया आपने और नोनी आपने परखी, आपके रिजल्ट आए, आपको आनंद आया, आप उस प्रोडक्ट से संतुष्ट हो गए। क्या नोनी हो, आंवला हो, है ना, कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, जैसे आप संतुष्ट होते हैं उसकी जाके आपको प्रमोशन करना है, आपको सिफारिश करेंगे। दोस्तों इतिहास गवाह है वर्ल्ड वाइड कि जो लोग अपने प्रोडक्ट को दिलदार तरीके से आके प्रमोट नहीं कर सकते, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, मैं बता देना चाहता हूं, माफ करना मेरे भाइयों, मेरे लीडर्स सारे, आप कभी अमीर भी नहीं बन सकते। अमीर बनने का एक ही तरीका है कि आप अपनी चीजों की वैल्यू को मार्केट में जाके प्रमोट करें, प्रचार प्रसार करें, बेचें। उसके बाद दोस्तों बात आती है, जैसे ही आप इसकी सिफारिश करते हैं और कोई भी इंसान आपकी सिफारिश से, आपके रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट लेता है, दोस्तों इसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। अब इसको समझना इसलिए है क्योंकि इसी को लोग बोलते हैं यार मेंबर बन गया, तो दोस्तों ये उनकी जो समझ है ना उसको सही करना ही फॉलोअप बोलता हूं। जो उनके स्केच आए हुए हैं, जो उनकी नेटवर्किंग के बारे में जो फाइनेंस चिट फंड दिमाग में बना हुआ है, वो सबको हमें करना है, हटाना है और हमको नेटवर्किंग का सही रूप उनके सामने प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। और अगर ये करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका सक्सेसफुल फॉलोअप हो जाता है। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि हमारे सामने हमेशा दो विकल्प हमेशा रहे हैं, तीसरा विकल्प अपनी सेफ शॉप हमें देती है। दो विकल्प कौन से रहते हैं, जब भी हम कोई चीज लेने जाते हैं, चाहे हम अपने घर के लिए कोई भी चीज लेके जाएं, कोई भी चीज लेने जाएं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक मार्केट में जो भी चीज लेने जाते हैं, या तो हम रिटेल स्टोर से लेने जाते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो फैक्ट्री आउटलेट से लेने जाते हैं। दोस्तों आपके जीवन में भी तीसरा ऑप्शन आ गया है, उसका नाम है सेफ शॉप। अब आपको यह समझाना है कि अगर आप रिटेल स्टोर से लेने जाएंगे तो आपको ओन एमआरपी मिलेगी, अगर आप फैक्ट्री आउटलेट से लेने जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बस। और यहां से केवल मिलेगा प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे सियाणे जो लोग होते हैं, ज्यादा चतुर जो ग्राहक होता है, वो डिस्काउंट के चक्कर में और एमआरपी के चक्कर में पड़ जाता है, महंगे सस्ते में पड़ जाता है। तो उस ग्राहक को यह भी बताना है कुछ लोगों को कि भैया यहां पर खाली डिस्काउंट ही नहीं मिलता है सेफ शॉप में, आपको इनकम कमाने का, आपको सपने पूरे करने का जरिया मिलता है। तो सेफ शॉप आपको प्रोडक्ट भी दिलवाती है, आपकी नीड भी पूरी करती है, जितने भी आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, उसके साथ आपको मौका देती है कि आप जो चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उतना पैसा आपको मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों उसको हम बढ़िया एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि हम दुनिया में आज मानवता जो बढ़ रही है उसका विकास चार क्षेत्रों में हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो एक आम शिकारी की तरह रहते थे, कंदमूल खाते थे, अपना गुजारा करते थे। फिर थोड़ा और बढ़े, कई लोग उसमें से कन्वर्ट हो गए, उन्होंने अपने आप को बदला, उनको बताओ, उन्होंने अपने आप को बदला, वो दूसरे स्तर पे गए। काफी लोगों ने उनमें से किसान और फार्मर बन गए, किसान बन गए और उन्होंने खेती करना चालू किया। जैसे खेती करना चालू किया तो बहुत सारे लोग उनकी मजाक उड़ाने लग गए, अरे क्या पागल हो गए हो, हैं रोज के रोज खाओ मौज उड़ाओ, ये क्या कार्यक्रम चालू कर लिया, 6-6 महीने तक इंतजार करो। पर जैसे 6 महीने के बाद उनके रिजल्ट आए तो दोस्तों उनको पूरी साल फिर करने नहीं जाना पड़ा, रोज शिकार करने नहीं जाते थे, फिर शिकारियों की आंख खुली कुछ लोगों की, फिर और लोग वहां पर फार्मर बन गए। तो दोस्तों ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है, शुरू शुरू में आपके लोग मजाक उड़ाएंगे, शुरू शुरू में लोग
लोग बोलेंगे कुछ नहीं होगा, पर जैसे जैसे हमारे साथ चमत्कार हो रहा है, आज हमारे दोस्त हमारे रिश्तेदार नेटवर्किंग करना चाहते हैं, आपके चमत्कार को देख के लोग दोस्तों आपके साथ काम करेंगे। फिर तीसरे फेस में मानव आगे गया और तीसरे फेस में उद्योग का जन्म हुआ। कई लोग उसमें से किसान में से जाके अपनी जो खेत को गेहूं के बदले में, पहले क्या होता था, कोई गेहूं के बदले में गांव में चना दे देता था, चना के बदले में गेहूं ले लेता था, बाजरा ले लेता, ऐसे होता था। फिर आया उद्योग, उद्योग में क्या हुआ, मंडी खुल गई तो लोग व्यापारी बन गए उसमें से। आहड़ आड़त कि भाई यहां से लाओगे, बीच में हमारा इंसेंटिव होगा, हम आपको दूसरे को देंगे, आपको पैसा मिलेगा, दैट्स इट। तो उद्योग जगत चला गया। उसमें से काफी लोगों ने क्या किया, किसानों में से उद्योग में चले गए। अब दोस्तों ये जो चौथा आया है, ये हम लोगों के लिए आया, ये हर आदमी के लिए आया है। इसको बोलते हैं सूचना युग, सूचना युग, जागरूक युग है ये, और हर आदमी के लिए दोस्तों ये मौका है। और इसको बोलते हैं जो आदमी जाके सूचना दे सकता है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है नेटवर्किंग के थ्रू, वो हर सपने को पूरा कर सकता है दोस्तों। और वही सेफ शॉप मौका देती है। अगर हम इतनी चीजों को प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो दोस्तों हम उसको अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं। ये इतना समझ में हमको नेटवर्किंग आनी चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो हमारे सिस्टम ने, हमारी कंपनी ने हमको दिया हुआ है। इस वीडियो को भी आप थोड़ी देर दिखा के, पहले सुनने की स्थिति में लाके दिखाना ये वीडियो, क्योंकि लंबा भी है, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा, सुंदर सी, पर मैं आपको ध्यान लेके जाना चाहता हूं। इस वीडियो से मुझे लगता है बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप दिखाने में कामयाब हो जाएंगे तो बहुत सारा फॉलोअप आपका हो जाएगा। यहाँ प्लान भी समझ में आ जाएगा और बेस स्टाइल भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाह रहे हैं दोस्तों। अब हमको एक जानकारी और होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, बाजार की क्या हालत है, दुनिया की क्या हालत है, इंडिया किस दौर से गुजर रहा है। तो दोस्तों अभी बेरोजगारी की हालत थोड़ा देख लेते हैं एक मिनट में। सारी पढ़ाई लिखाई स्किल्स हो जाते हैं बेकार जब नहीं मिलता है रोजगार, किसी नौकरी के तलबगार है। तो दोस्तों हमको ये जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि पवन जी बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट आता है, इसको बोलते हैं जागरूकता। मार्केट की जागरूकता जितनी ज्यादा होगी फील्ड में उतना ज्यादा जाने का मन करेगा। कई बार क्या होता है, इंसान को जब अवेयरनेस कम होती है और उसको लगता है अरे यार पता नहीं क्या पूछेंगे, तो एक जागरूकता दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी आपसे, पवन जी ये नहीं पूछने वाला कि फिजिक्स में क्या बनाना है आपको, या कोई फिजिक्स के सवाल नहीं पूछेगा, या केवल आपसे पूछेंगे आपकी शेप शॉप क्या है और शेप शॉप देती क्या है और शेप शॉप से हो क्या सकता है। तो दोस्तों हो सकता है वो अपने क्षेत्र का वकील हो सकता है अपने क्षेत्र का डॉक्टर हो, पर बधाई हो दोस्तों, आप थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं तो आप अपने क्षेत्र के करोड़पति बन सकते हैं शेप शॉप में। ये ताकत है शेप शॉप, केवल एक कलाकारी सीख के उसका नाम है फॉलोअप। दोस्तों उसमें थोड़ा सी अब मैं चीजें बताना चाहता हूं, अब थोड़ा एडवाइस करना चाहता हूं किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। फॉलोअप में करते समय दो महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं बोलूं सबसे पहले पहली महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। पहली महत्वपूर्ण बात है जब भी आप फॉलोअप करने जाएं तो रूल नंबर वन याद रखें, जैसे बोतल है, अगर बोतल ढंग ढक्कन बंद है पवन जी तो क्या आप इसमें पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते मौलवी। क्या करना पड़ेगा, बोतल को खाली करना पड़ेगा, है ना, फिर उसमें नया पानी डाला जा सकता है। तो दोस्तों हमने कई बार ये देखा गया है, और ये मैं जब फील्ड में जाता था तो मेरे काफी एसोसिएट बोलते थे अरे प्लान बहुत अच्छा है, जुड़ जाओ ना यार, जुड़ो ना यार, अच्छा काम है यार, हम बोल रहे हैं ना। तो सामने वाले को ना तो खाली किया, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो नेटवर्किंग के बारे में क्या सोच रखता है, ऐसी कंपनी के बारे में क्या सोच रखा है, हम क्या बोल रहे हैं, अरे हम कर रहे हैं ना जीजा तेरे, तू कर। कोई जीजा बोलता है, कोई साला होता है, कोई दोस्त होता है, कोई मित्र होता है, और वहां पर एक चैलेंज हो जाता है कि आदमी अपना दिमाग बंद कर ले। फिर आप कितना भी गाना गाओ, कितने भी लॉजिक दो, आप जितनी तैयारी करके गए हो वो सारी तैयारी आपकी बेकार है, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर्स और हमारा ये सिस्टम हमें सिखाता है कि कुछ भी सुनाने से पहले इंसान को सुनने के मूड में लाओ, कुछ भी बताने से पहले उसका लिसनिंग मूड में आना बहुत जरूरी है, तब तो आप कामयाब हो सकते हैं पवन जी, मुझे ऐसा लगता है। प्रैक्टिकली मेरी इतनी एफर्ट्स के बाद 16 साल की जर्नी में मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जो आदमी लोगों को सुनने की मुद्रा में नहीं लाता और खाली गाना बजाता है, ये ऐसे ही है, ये ऐसा नहीं है, आप सामने वाला कोई जानवर नहीं है कि बीपनी बजाओगे सांप डांस करेगा, नहीं, सामने वाले की सुनने की मुद्रा में आना बहुत जरूरी है। और ये गलती अधिकतर लोग कर देते हैं और फिर उनके रिजल्ट आते हैं, इस चीज से वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। दोस्तों मैं जरूर ये बताना चाहता हूं आपको कि आप इसको समझ लें, और फिर आप लोगों को जब समझाएंगे कि सिर्फ शॉप में क्यों आना है तो आप देखना रिजल्ट कन्वर्ट होने चालू हो जाएंगे।
आपको महसूस हो जाना चाहिए कि आप सुनने के मूड में, पर आप जब जबरदस्ती करेंगे सुन भले ही लेगा पर पैसे नहीं देगा, सुन भले ही लेगा पर आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि हमें पैसे लेना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है उसको अपनी जिंदगी में साथ लेके बहुत बड़ा काम करना। बोलो ये सेनो, क्योंकि जितना बड़ा वो काम करेगा उतने बड़े रिटर्न हमको आने वाले हैं दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग नॉट अ सेल्स रिलेशनशिप बिजनेस, क्योंकि सेल्स तो करनी ही है, वो तो होनी है जब हम उनके साथ जिंदगी में जाएंगे। क्योंकि मैंने थोड़ा सा और अध्ययन किया मेरी जिंदगी में दोस्तों, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा रहा, और मैंने एक बात हमेशा सीखी, हमारे ग्रेट मेंटर्स बैठे हैं नागुरु जी, हमेशा बोलते थे कि भैया फॉलो अप फॉरगेटन, भूलने का नहीं फॉलो अप करते रहने का। और फॉलो अप करने का तरीका बताया मेरे को, बोला भाई सुन, फॉलोअप में ज्यादा समझाने का नहीं, कई बार तो कई बार केवल नमस्कार करने का, भाई साहब नमस्कार हम मिलने आए खाली, तो इतनी बार नमस्कार करोगे अभी बताऊंगा तो वो अगली बार बोलेगा भाई नमस्कार में डीडी दे दो वरना बहुत नमस्कार हो जाएगी। तो दोस्तों इसका एक रूल है जो आपको समझना है, प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं लेता, इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ईजी होगा आपका भगना दौड़ना और ज्यादा बार फॉलोअप करना, दोबारा मिलके उसको मदद करें उसी को फॉलोअप कहते हैं। जब आप दोबारा मिलके उसकी मदद करते हैं और जब मदद करते हैं तभी फॉलोअप होता है, दोबारा मिलना और उसको मदद करना ही फॉलोअप बोला जाता है दोस्तों। जब हम जाके कोई आदमी हमने प्लान दिया और उसने बोला सोच के बताएंगे, क्योंकि हर इंसान तुरंत डिसीजन नहीं लेता है, उसका भी रेशो हमारे ग्रेट मेंटर लोगों ने सिस्टम ने हमें बताया, उसका गणित बताया कि भाई याद रखो टिकन सिंह चौधरी साहब, और हमने ये चीज सबको बताई, पवन जी को भी याद होगा, हम ट्रेनिंग में बताते हैं अभी भी बताते हैं कि 2% सेल पहले कॉन्टेक्ट में आती है, कहने का मतलब सबसे कम जो रेशो है वो है पहले कॉन्टेक्ट। फिर हमको यह बताया गया कि 3% सेल सेकंड कॉन्टेक्ट में आती है, फिर हमको यह बताया गया, ये पूरा गणित हमको समझाया गया, ये गणित जितने लोगों को समझ में आ जाता है वो एक्साइटमेंट के साथ रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 90% लोग इस बिजनेस को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है यार हमने प्लान दिखाया वो तो माना ही नहीं, सर जुड़ ही नहीं रहा हमसे, क्यों एक बार दिखाया अगली बार बोले सर अब मान ही नहीं उसने, वो दिल पे ले लेते हैं, ये पता नहीं है, ये बेशरम होने का बिजनेस है थोड़ा सा, वो मैं बताऊंगा फॉलोअप में कैसा बेशरम होना है, वो शुरू में थोड़ा बुरा लगता है बेशरम होना, फिर जब हम करने लग जाते हैं तो एकदम इंटरनेशनल हो जाते हैं, और मैं तो बोलता हूं अगर हर महीने के 12-14 लाख रुपए मिले तो मां बेशरम होने को तैयार हूं, मागुरु जी लोगों से हमेशा बोलता हूं बेशरम होने में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट मेंटर बैठे हैं यहां पर, अगर लाखों रुपए मिले तो बेशरम होने में कोई दिक्कत है पवन जी? कोई दिक्कत नहीं मागुरु जी, महीने के 2 लाख रुपए, वीक के 2 लाख आए, फिर महीने के 8 लाख आए, फिर कभी कभी तो आजकल तो ट्रिपल सी में मजे आने वाले हैं, अभी तो रैंक इनने वाली करोड़ों में, ये सुनो अभी तो 10-10 लाख आ जाते हैं, तो उसमें बेशरम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फिर आपको ये समझना है कि 10% जो सेल आती है वो 4 कॉन्टेक्ट में आती है, और सबसे ज्यादा हमारे ग्रेट मेंटर ने बताया, हमारे बिजनेस गुरु लोगों ने, कि भैया अगर आपको सबसे ज्यादा अगर सेल कन्वर्ट करनी है प्लान देने के बाद तो आपको ज्यादा बार मिलना पड़ेगा, 80% सेल 12 कॉन्टेक्ट में आती है दोस्तों। ये बड़ा साइंस है, इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे आज, क्योंकि यही है फॉलोअप। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसको समझते हैं, बस बात बार बार एक ही रहेगी, मतलब भूलना नहीं है, क्या करना पवन जी? फॉलोअप करना नहीं, नॉट फॉरगेट, फॉलोअप, फॉलोअप करते रहना है। हमारे गुरु जी बोलते हैं तो आदमी मर जावे तो उसको छोड़ने का, जब तक जुड़ ना जाए तब तक छोड़ने का। तो ये साइंस जो हमारे मेंटर लोगों ने सुनाया, और उन्होंने एक चीज और बताई कि बेटा फॉलोअप कब करना है, 24 घंटे में आपको फॉलोअप करने ही करने हैं अगर आपको रिजल्ट चाहिए। बताया मैक्सिमम रिजल्ट आपके आएंगे, चांस है अगर आप प्लान के 24 घंटे के अंदर मिल लेते हैं। फिर उन्होंने बताया बेटा अगला प्लान कैसे करना है, हमारे ग्रेट मेंटर बताते थे अगला फॉलोअप, तो फिर उन्होंने बताया बेटा 48 घंटे में मिनिमम 50% आते हैं, और सबसे कम जो बताए वो आए 72 घंटे, क्योंकि 72 घंटे में आदमी भूलने की स्थिति में चला जाता है, 3 दिन निकल जाते हैं और उसको खुद ही नहीं याद कि आप क्या बता के गए थे। कहने का मतलब है जैसे ही आप पहला फॉलोअप करके आए, इसका सीक्वेंस समझ लें, जैसे ही आप पहला फॉलोअप करके आए तो अगला फॉलोअप आपको कितने घंटे में करना है पवन जी? 24 घंटे के अंदर। अब कई लोग क्या समझते हैं, प्लान के बाद 24 घंटे में फॉलोअप कर दो रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो ना। क्लियर कर रहा हूँ, सामने वाला जैसे मैं पवन जी का फॉलोअप करने गया तो पवन जी बोलेंगे सर 7 दिन बाद सोच के बताऊंगा, इनकी बात मान लो बिल्कुल सर, अब ये मत बोल के 7 दिन बाद आऊंगा ना, आपको तो 24 घंटे में दोबारा नमस्कार करना है, पवन जी नमस्कार, मैं इधर से गुजर रहा था, मेरा मन किया आपसे मिलने का, और आपने क्या विचार किया उसके बारे में, जो हमारा काम था वर्ल्ड क्लास, और देखो अभी तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो कितने घंटे में कर दिया ये काम? 24 घंटे के अंदर। फिर आपको 24 घंटे इसके फिर अगले 24 घंटे में क्या करना है आपको? फिर फॉलोअप करना है। लोग यहीं पर गलती कर देते हैं,
सबसे बड़ी लैकिंग 90% लोग जो हमारे बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और 10% लोग जो कामयाब हो रहे हैं उसका ये साइंस है। इसको आर्ट ऑफ फॉलोअप भी बोल सकते हैं, आर्ट ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? मेरे को लगता है रिजॉइन कीजिए, सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। यही गलती होती है और लोग 3 दिन बाद मिलते हैं और 3 दिन में सोचने की अवस्था से बाहर चला जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता पवन जी क्या करने का और क्या नहीं करने का है। फिर जाके हम दोबारा बोलते हैं भाई देख बहुत अच्छा, फिर वो नहीं आता। तो दोस्तों हमें 24 घंटे में बार बार मिलना है और ये 12 बार करना। क्यों 12 बार? जब आप 12वीं बार जाएंगे, वैसे 4-5-6 बार में वो बोलेगा भाई साहब कितने दिन है, क्योंकि उसकी मीडियम की भी आवाज आएगी बार बार भाई साहब। अच्छा बोलना कुछ नहीं है, ज्यादा समझाना नहीं है, आपका नमस्कार भाई साहब नमस्कार, जो काम मैंने बताया था उसके बारे में क्या विचार, और फिर क्या करना आगे, मैं थोड़ा उसको लेके आया हूँ समझाने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिकल है उसको समझना है। तो क्या लिखा हुआ पवन जी? सिंपल, 2 वजह से कामयाबी मिलती है। हाँ, पहली फॉलोअप में आप कितनी बार गेस्ट से मिले और दूसरी आपने उसके साथ कैसा रिलेशन बिल्ड किया, आपने कितना गहरे संबंध बनाए। आप अगर 12 बार मिले, 1 बार के बाद दूसरी बार मिले तो आपने नमस्कार कितनी अच्छी तरह से की, उसकी जिंदगी में आप कितनी तरह से, ऐसे नहीं है हम अपना ज्ञान लेके गए उबेड़ दिया और सुनने की स्थिति में नहीं। तो आपको इंसान को अगर अपने साथ लाना है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान प्रोडक्ट के साथ नहीं आता है, कंपनी के साथ नहीं आता है, सबसे पहले इंसान आपको देख के आपके साथ एसोसिएट होता है। ऐसा मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। उसके बाद जैसे जैसे आप उसको सिस्टम में डालते हैं वो सिस्टम के साथ अटैच होता है, हमारे मेंटर लोगों से अटैच होता है, फिर वो लाइफस्टाइल देख के इंप्रूव करता है, फिर कंपनी के साथ अटैच होता है। तो दोस्तों हमें अपनी 2 चीजों पे बहुत ध्यान रखना है, एक हमें ज्यादा बार मिलना है फॉलोअप वक्त के और दूसरा उसके साथ संबंध बहुत अच्छा क्रिएट करना, क्योंकि संबंध ही है जो डायमंड। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बार बाद में काम चालू किया, पवन जी ने बहुत लेट काम चालू किया, क्योंकि पर हम जब पवन जी के साथ कभी बदतमीजी नहीं करते थे, हम हमेशा बहुत प्यार से रहते थे, है ना। तो ये संबंध जो होते हैं ना, ये पता नहीं कब काम कर, और यही सबसे बड़ी फॉलोअप में टेक्निकल इशू हो जाते हैं लोगों के। एक बार जाते हैं बोला यार साला होता है जैसे मान ही नहीं, अरे देखो सर पवन जी अब नहीं जा पाऊंगा मैं, यार मान तो रहा नहीं यार, बेइज्जती होगी हमारी, है तो आप मुझे बताइए बेइज्जती और इज्जत से ऊपर उठना है या बेइज्जती इज्जत में पड़े रहना है? तो मेरे को लगता है अधिकतर लोग बेइज्जती इज्जत से ऊपर उठेंगे और बीएमडब्ल्यू और ऑडी की तरह, पवन की तरह ऑडी, पवन जी की तरह ऑडी लेना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको बनना पड़ेगा थोड़ा लिटिल बेशरम, और हर बार आपको अच्छा शुरू शुरू में है ना, 1-2 बार आपको बहुत गुस्सा आएगा बेशरम बनने, और धीरे धीरे फिर आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया अरे यही प्रोसेस है जिससे हमें लाखों रुपए आने वाले हैं, क्योंकि प्रोसेस होता है। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी ने अभी ट्रेनिंग में बताया, बच्चा जब आता है तो माँ बाप खुश होते हैं, थाली बजाते हैं, पर बच्चा जब बड़ा होता है, जब रुलाता है तो रोते भी हैं, इज द प्रोसेस। तो हंसाना भी बच्चे का प्रोसेस है, रोलाना भी बच्चे का प्रोसेस है। तो ऐसे हमारे बिजनेस में भी शुरू में आदमी रुलाता भी है, और जब हमारे साथ आ जाता है और पवन जी की तरह जब बिजनेस मरकरी बनता है, क्राउन बनता है, तो दोस्तों हमें फिर हंसाता भी, हमें लाखों रुपए कमाता है। तो इसके लिए हमें 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ज्यादा बार मिलना है और पूरे एक्साइटमेंट के साथ मिलना है, मधुर संबंध के साथ मिलना है, और हर बार बोलना है पवन जी नमस्कार कैसे हैं भैया जी आप, आपने उस काम के बारे में क्या विचार किया। अगर आप सुनने की मुद्रा में हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं, है ना। आप देखिए आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, अच्छा एक बार नहीं आएंगे उस दिन मूड खराब होगा, दूसरे दिन तो मूड सही होगा, अगले दिन तो हो सकता है 12 बार में एक बार मूड सही हो, एक बार में सही इंजेक्शन लग गया, हो गया आपका काम, मिल गया आपको डायमंड, किसी को फॉलोअप बोलते हैं, जैसे 8-10 डायमंड मिले और आपका चमत्कार चालू। तो इस तक आपको रहना है, और दोस्तों इसी प्रोसेस में लोग सबसे ज्यादा छोड़ के जाते हैं, न्यू लोग। अगर इस प्रोसेस को एंजॉय कर लें, इस प्रोसेस का आनंद ले लें, और उनको बेइज्जती ना लगे और वो दिल पे ना ले, तो मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं MLM इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत आसान बिजनेस है दोस्तों, जैसा हमारे गुरु लोग, हमारे मेंटर लोग हमेशा बताते थे, बेटा हार नहीं माननी है, लगे रहना है। क्या बोला? हार नहीं माननी, लगे रहना। क्या बोला? हार नहीं माननी है और लगे रहना है। और क्या बताया, और क्या समझाया, और हम थोड़े आगे गए, इसको भी समझना होगा आपको। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले अपने गेस्ट से संपर्क करें, उससे दोस्ती बनाएं, उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को खोजें, बात करते करते जब अगली बार गए ना मिलने, तो ये आपको करना है। इसको दोस्तों मेरे भाषा में बोलते हैं कि जो लोग ऐसा करने में
मानव स्किल को थोड़ा डेवलप कर लेते, क्योंकि पैदाइशी तो कुछ सीख के आया नहीं है। मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी डर लगता था। मुझे याद है मुझे एक आदमी से बात करने में डर लगता था, और स्टेज से तो इतना डर लगता था नमस्कार करके, तो मैं तो नीचे उतर आया था। महागुरु जी लोगों को याद होगा नमस्कार करके नीचे उतर आया था। तो दोस्तों इसको आपको समझना होगा, और इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कस्टमर ही नहीं है, वो आपकी जिंदगी का डायमंड है, है ना। उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी लॉयल्टी उसके लिए लानी पड़ेगी आपको, और उसको हर बार जब भी आप फॉलोअप करने जाएं तो अंदर से प्रार्थना करके जाएं कि आज वो मानेगा और आज मेरे को एकदम ज्वाइन करेगा, आज वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा और आज बहुत बड़ा काम करने वाले हम उसके साथ मिलके। और उसको जैसे ही आप समस्या को खोज लें, उसको समस्या को तुरंत अटैच कर दें सेफ शॉप के साथ, कि सेफ शॉप सर आपके बच्चे को, जैसे बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा, सर सेफ शॉप आपके बच्चे की फीस को भरवा सकती है। अभी देखिए ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपको देखो हो सकता है आपकी तनख्वाह काटी जा रही हो, पर सेफ शॉप में साथ मिलकर सर देखिए ये हमारे फ्रेशर आदमी है, उनका चेक दिखा दो। अच्छा अपना मत देखो, फ्रेशर देखो सर इन्होंने इतने रुपए कमाए पिछले वीक में, इन्होंने इतने कमाए, थर्ड पार्टी कर दो तुरंत। टूल्स का यूज करना है फॉलोअप पे, टूल्स रखना है आपको थर्ड पार्टी, किताब रखनी है आपको, प्रगति सूत्र रखनी है आपको थर्ड पार्टी, देखो सर ये भी ऐसे ही थे, ऐसे आपको रिलेट करना है। जैसे आप ये रिलेट करने में मास्टर माहिर हो जाते हो, तो ये छोटे से जो प्रोसेस है, छोटी सी जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें रिजल्ट कन्वर्ट करना बहुत आसान है। लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा मेथड है, ये ऐसे है जैसे सामने वाला कोई फिजिक्स का सवाल पूछने वाला है, फिर मैं बार बार मना कर रहा हूँ, ना मैथ पूछेगा ना फिजिक्स, केवल ये पूछेगा सेफ शॉप में करना क्या और करना कैसे, बस वो आपको बताना है, बहुत आसान है। और हमारे सिस्टम को बार बार थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, दो चार किताबें पढ़ लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा, और यहाँ पर पैनल पर ट्रेनिंग में आते रहेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, रिलेशनशिप है, आपको कस्टमर को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो कस्टमर नहीं है, आने वाले वक्त का आपका डायमंड है, क्योंकि वो एक बार कस्टमर भगवान होता है, तो उसकी कोई भी बात का बुरा ना माने, उसकी कोई बात का दिल पे ना लें, और बार बार एक ही काम करें, सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और मैं तो सर आपके, मेरे को इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में नहीं है सर, मेरा इंटरेस्ट आपकी जिंदगी को, कुछ परेशानी में कुछ पूरी कर पाऊं, कुछ निकाल पाऊं सर, आपके चेहरे से लग रहा है, कुछ अंदाजा लाइए, कुछ सुनिए उसको। और एक रूल और याद रखिए फॉलोअप पे, जो मेरे मेंटर ने बताए थे, हमारे गुरुजी लोग बताते हैं 70% सुनना है और 30-25% बोलना है। उससे क्या है, वो सामने वाला आपको अपनी कमजोरी दे देगा, सामने वाला अपनी साइकोलॉजी पकड़ा देगा कि भाई मैं किस तरह का आदमी हूं, मुझे ऐसे डील करो। क्योंकि हमने हमेशा सीखा सामने वाले को जब हम सुनते हैं तो उसकी पर्सनालिटी को हम एब्जॉर्व कर पाते हैं और हम ईगो हट नहीं कर सकते। कई बार आदमी जब, कई लीडर मैंने देखे, कई लोग गलती क्या करते हैं, खुद भरे हुए जाते हैं, इतने ज्ञान के महासागर बन जाते हैं, वह पूरा ज्ञान एक ही बार में पलट देते हैं और बोतल बिल्कुल ढक्कन बंद होती है, वो बोलते हैं यार पागल है क्या, हमको इतना समझा रहा है। तो हमको ये भी याद रखना है फॉलोअप के वक्त, छोटी सी चीज है जो हम याद कर लें तो हमारा जीवन में बहुत बड़े रिजल्ट कन्वर्ट होने वाले हैं, और वो केवल एक ही है कि हम सुनने की प्रक्रिया को जारी रखें। उसमें से ही हमको कमजोरी पता चलेंगी, उसमें से उसके जीवन की समस्याएं खोज पाएंगे, क्योंकि जब हम ही बोलते रहेंगे और वो नहीं बोलेगा पवन जी, तो मेरे को नहीं लगता कि हम उसका प्रॉपर फॉलोअप कर पाएंगे, हम उसको प्रॉपर गाइडलाइन कर पाएंगे। और मैं ऐसा भी बोलता हूँ, फॉलोअप का मतलब होता है किसी को आप प्रॉपर गाइड करने जा रहे हैं, प्रॉपर सपोर्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर मदद करने जा रहे हैं, और ये दिल से करना है। इसमें कोई है ना नीचा दिखाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक चीज, एक दो चीजों का और ध्यान रखना, जो हमारे सिस्टम ने बताया, गुरु जी लोगों ने बताया है कि आपको कभी भी किसी से जीतने नहीं जाना है ना। और दो तीन चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, पहले एक आपको जीतने नहीं जाना, दूसरा आपको किसी को नीचा दिखाने नहीं जाना, क्योंकि वो इंसान आपके साथ आने वाला है और आपको करोड़ों रुपए कमाने वाला है और आप उसको कमाने वाले हैं। इस मैनर्स का हमको विशेष 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 ध्यान रखना है दोस्तों। ये चीज मैंने बड़ा प्रैक्टिकली ध्यान रखी, इससे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप हुए। फिर मैं दोबारा जाता था, इंसान पहली बार में डिसीजन नहीं लेता था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में तो अपने आप खुश होकर देता था। और जैसे ही वो सेल दे देता है ना, शुरू में बोलता है काम नहीं करूंगा, एक और साइंस बता देता हूं, जैसे ही सेल दे देता है ना, वैसे फोन करके बोलता है अब यार ये तो बताओ पवन जी करना क्या है आगे। बिल्कुल सर। क्या बोलता है, अब ये तो बता दो करना क्या है। अरे यार पैसे तो ले गए आप, अब ये तो बताओ करना क्या आगे। तो दोस्तों अगर इतने तक पहुंच जाते हैं ना आप, पर कई लोग इसी में बहुत डरे हुए, 90% लोग तो बोलते हैं गुरुजी आपके बिना तो फॉलोअप होगा ही नहीं। अरे भैया कोई मैथ का सवाल पूछ रहा है क्या सामने वाला, जो होगा नहीं। हाँ हमसे साइंस का सवाल पूछे तो हम दे नहीं पाएंगे जवाब, है वो तो पवन जी भी भूल गए होंगे कॉस थीटा। तो ये सिंपल है, बहुत ही आसान है, इस प्रोसेस को जीना चालू करिए, इसका आनंद लीजिए। थोड़ा सा और टेक्निकल बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सिंपल चीजों को बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर आप उसको सिंपल बना देते हैं। अगर इसको ज्यादा गहरा बना देंगे, आप इतना ज्ञान लेके गए तो फिर इंजेक्शन पता नहीं कौन सा लगा देंगे, लगाना था कुछ और लग गया कुछ। ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे गुरु लोगों ने, हमारे मेंटर लोगों ने, हमारे सिस्टम ने हमें बताया कि जिसका दुनिया में समाधान है। तो ऐसा कोई सवाल भी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। याद रखें, दुनिया में जो भी सवाल बना है उसका उत्तर है।
लेकिन तीन तरह के हमारे तर्क होते हैं, संवाद होता है। तो हमें जो संवाद करना है वो पहली कैटेगरी का करना है, उच्च कोटि का, ना तो वितर्क करना है ना उत्तर्क करना है। पर याद रखिए, सामने वाला दो काम करेगा, आपको डाइवर्ट करने के लिए उल्टी सीधी बातें करेगा। अरे हेलो, हाँ रुको 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 पवन जी रुको, हाँ कहाँ ना है, फोन पे वैसे लगा रहेगा 15 मिनट, आपको देख लिया फिर भी 15 मिनट लगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम भगो, पर तुम्हारा भी तो साहस चेक कर रहा है, तुम्हारा यहाँ धैर्य लगाना है तुमको। बोला सर कोई बात नहीं, करिए करिए, हम बैठे हैं आराम से चाय पियेंगे, मस्त। फॉलोअप का मतलब ही है धैर्य, सुनना समझना एब्जॉर्ब करना, देन उसके बाद सलाह देना, बहुत तगड़े रिजल्ट आने वाले। हम लोग गलती क्या करते हैं, फॉलोअप का मतलब समझ लेते हैं, उसको कन्विंस करो, उसको जाकर उसको सब बताएंगे, नेटवर्किंग क्या है, ये क्या है। अरे भाई पहली बार में एक ही चीज समझाओ, ज्यादा इंजेक्शन लगा दिए। देखो बच्चों को भी याद होगा पवन जी, हमको याद होगा पहली बार में डॉक्टर वैक्सीनेशन नहीं लगाता है, 6-6 महीने का देता है, फिर 2 साल का देता है, फिर 5 साल का देता है। तो दोस्तों हमको भी 12 बार मिलना है, एक वैक्सीनेशन थोड़ा सा ही घुसेड़ना है, फिर अगली बार में अगला वैक्सीन करना है। तो ये अगर आप कर जाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि कुतर्क कई बार लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको भ्रमित करना है, आपसे रिलेशन तोड़ रहे हैं, उनको लगता है यार इनसे ऐसी बचा जा सकता है, इनसे अगर बदतमीजी नहीं करोगे तो साला फिर आके धमक जाएंगे। तो आपको तो क्या बोलना है, आप बदतमीजी करो, बदतमीजी के महासागर बन जाओ, हम महासागर के पाप हैं, इसको झेलने के लिए आप देते रहो, हम तो आए इसलिए हैं कि आप हमसे बदतमीजी करो और हम आपको बताएं कि हम कितने सभ्यता है। फिर बोलो भाई साहब कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई बात नहीं है। वो बोलेगा चोर कंपनी है, कोई बात नहीं, अभी सवाल क्या क्या करेगा, मैं आगे चल रहा हूं। तो आपको यह समझना है कि वो डाइवर्ट करेगा और आपको डाइवर्ट नहीं होना है। कितने लोग इस बात के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे तो मैं उनको एक कमिट करता हूं, रिजल्ट भी पक्का है। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं और यहीं पर लोग सेल को क्लोज नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं, मन से हार जाते हैं और ऐसे बोलते हैं हमारे महागुरु सुनील जी, मन से जो हार गया साला दुनिया में उसको कोई जिता ही नहीं सकता, मन से हारा हुआ आदमी कोई जिता नहीं सकता भाई साहब। और हमेशा माइंड की बात करते हैं, पावर की बात। तो आपको मन से नहीं हारना है, मन से डेडिकेटेड है यार, कितना भी कर ले, क्योंकि नाना करके प्यार तुम्हें से कर बैठे, कितना ना करेगी भाई, कभी तो हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आपको चेक कर रहा है, सामने वाला आपकी टैलेंट को चेक कर रहा है, आपके व्यवहार को चेक, कुछ भी कर सकता है, उसका मूड है, सामने वाला परीक्षा लेता है, आप एग्जाम देने गए हैं, उसको एंजॉय के साथ दीजिए, आप टीचर पे गुस्सा मत कीजिए, आप ऐसे लोगों पे गुस्सा मत कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। अब दोस्तों फॉलोअप पे जाने पूछे जाने वाले सवाल का जवाब आप थोड़ी तैयारी करिए। कई बार है ना सवाल का जवाब सवाल होता है, सवाल क्यों आते हैं, क्योंकि हम कई बार गलत बटन दबा देते हैं, बटन दबाना था सही, दबा दिया गलत, बर्फ नहीं पिघलाते, सही बटन नहीं दबाते, सही बातें नहीं करते और बोलते ज्यादा है, उससे भी सवाल पैदा होते हैं, सुनते नहीं। तो जिसकी वजह से कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं उनका भी मैं जवाब देना चाहूंगा दोस्तों फॉलोअप में। सबसे पहला सवाल लोग बोलते हैं, मेरे पास ऐसा काम करने का समय नहीं, मैं ऐसे काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, वो इस तरीके से बोलते हैं। जैसे ही वो बोलते हैं आपका दिल टूट जाता है। और दोस्तों हमारे यहाँ एक पुराना फार्मूला हमारे गुरु जी लोगों ने बता रखा है, जब कांटा लगा है तो कांटा ही घुसेड़ना पड़ेगा, तभी कांटा नहीं पैर में। तो सवाल समय नहीं है तो खुश हो जाओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके पास समय नहीं है, बस इसलिए तो करना है, क्योंकि सवाल का जवाब क्या है, कई बार सवाल ही है, जवाब तो है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि सवाल ही सही नहीं तो जवाब भी कहां से आएगा। तो दोस्तों आपको क्या बोलना, सर ये तो बहुत अच्छी बात है, सर ये तो जानबूझकर आप ये तो नहीं चाहते कि जीवन में समय ना हो, आप तो चाहते हैं समय हो, हैं आप तो हमेशा चाहते हैं मैं मेरे बच्चे को समय दूं, मेरे वाइफ को समय दूं, अपने माँ बाप की सेवा करूं, पर सर काम ही ऐसा हो गया ना, अकेले कर रहे हैं इसलिए आपके पास समय नहीं। सुनने के मूड में लेके फिर आप उसको जवाब दे दीजिए बहुत मधुर, क्योंकि सवाल का जवाब सवाल ही है, क्योंकि सर इसलिए समय नहीं था क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं। पर जो सर उसके जीवन में जब उतरेंगे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, तो कुछ समय मिल जाएगा, आप बता सकते हैं सर टीवी देखने का समय को आप कम कर दीजिए, इसको कम कर देंगे और आप एक एक घंटा इसमें लगाएंगे। और सर अगर टीकेन सिंह चौधरी जैसा पवन जी जो भी आपका एक एक्टिव लीडर वहां पर है उसका एग्जाम्पल दीजिए, अगर दो लोगों को आप सर लेके आ जाते हैं और आप बताइए दो लोग आपके लिए काम करते हैं, 4-4 घंटे काम करते हैं, तो समय बचना चालू हो जाएगा कि नहीं, बोला यस, तो बस हो गया। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन जब आप देते हैं तो सामने वाला सिंपल आराम से स्वीकार भी कर लेता है। और जितना ज्यादा लॉजिकल, क्योंकि सवालों के जवाब हमेशा लॉजिकल होने चाहिए, गहरे होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। ठीक है जी, अगला सवाल वो करता है, मैं बेच नहीं सकता, तो मुस्कुरा जाओ, हंसते रहो, जब भी सवाल करे एक्साइटेड रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और बस उसका चेहरा देख लो, गुस्से में कह रहा तो सीरियस भी रहो, ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए आप मजाक उड़ा रहे, क्योंकि भगवान है वो, भगवान को खुश करना है आज, आज प्रभु को खुशी करना है, क्योंकि वो अंदर तभी हमारे साथ रिलेशन बिल्ड हो पाएंगे, तभी बॉन्डिंग बन पाएगी। और हम बॉन्डिंग बनाने गए, हम एक बड़ा काम करने के लिए गए और आज सहृदय गए और अंदर से गए एकदम एक्साइटेड होके, ये सारा गेम सहृदय एक्साइटमेंट का है, इसको करते वक्त बहुत एक्साइटमेंट की जरूरत है, बहुत अच्छी भावना की जरूरत है। बोले सर कोई बात नहीं सर, बेचना किसको सर,
कोई बात नहीं सर, जिस चीज से नफरत करता है उसकी ज्यादा चर्चा मत करो, क्योंकि आदमी कई बार उसी को नहीं सर आप बेचना के ये है ना फालतू के, फिर आदमी एकदम चिड़चिड़ा जाता है, ऐसे बोलते हैं जब चिड़चिड़ाएगा फिर आपको सुनने के मूड से चला गया। और हमको इंसान को चिड़चिड़े मूड में नहीं लेके जाए, अगर आप चिड़चिड़े मूड में लेके जाते हैं तो दोस्तों माफ करना, फिर कुछ आपको लाना है सर कोई बात नहीं, बेचना नहीं है आपको सर, हमारा सिस्टम बोलता है आपको लोगों से मिलवाना है, आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको रिकमेंड करना है। और आप देखेंगे सर सिस्टम के जादू की वजह से, सीनियर की मदद की वजह से आप देखते देखते जाएंगे और आपके साथ टीम बनती चली जाएगी सर, तो ये सिस्टम की ताकत है सर। बोला है, बोला हाँ करिए सर, तो फिर आप डिसीजन पे आ जाइए, तुरंत डिसीजन पे आ जाइए। तो सिंपल सिंपल सवालों के सिंपल सिंपल जवाब होते हैं, पर हम सवाल इतने सामने वाला करता तो जवाब इतना भयंकर देते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है यार, इतना लंबा थोड़ी ना होता है, मेरे पैसे मैं पैसे नहीं मांग सकता, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल जवाब है। बोला सर मांगने किसको है, आपको तो सब मांगने ही नहीं है पैसे, क्या करना है भाई फिर? सर सिंपल है ना, आपको तो प्रमोट करना है, उसको नीड है जो नोनी की, तो नोनी उसको बताओ क्यों लेना है, उसको प्रॉफिट बताओ सर, वो तो चार बार लेगा। कौन कोरोना से नहीं बचना चाहता, कौन इम्यूनिटी नहीं बढ़ाना चाहता सर? बोला यार ये तो सही कह रहे हो आप, तो लाओ सर आप भी चालू करो, आपको पैसे नहीं मांगने, पैसे अगर आप मांगेंगे सर तो पैसे कोई नहीं देगा सर, हमको तो सर प्रोडक्ट की अवेयरनेस लानी है, इसकी मदद करने के लिए शुरू में टीम भी रहेगी सर, इसके लिए घबराना नहीं, हम सीनियर लोग शुरू में करेंगे और आपको दो चार बार में सिखा देंगे सर। और माँ के कोख से तो कोई सीख के ही नहीं आता सर, मैं भी नहीं जानता था सर, उसको सपोर्ट कीजिए बंदे को और फिर देखिए, जैसे पवन जी सवाल कर रहे हैं तो इजिली हम जवाब दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसरिंग है बहुत ईजी होती है, इसको हम ज्यादा अच्छा, एक बात याद रखना, सामने वाला उसमें कुतर्क करने के मूड में बैठा है क्योंकि उसको जुड़ना नहीं। अब आपकी समझदारी है, आपका व्यवहार यहां पर काम करता है, यहां पर ही काम आता है, वो सबसे बड़ा काम वो है शालीनता और धैर्य। आप यहां पर गुस्से में आ गए, मतलब ला तेरे को ही समझा देता हूं, झंड कर देता हूं, तो आप किसी को झंड करने नहीं जाइए, आप दिल जीतने जा रहे हैं इसका विशेष ध्यान रखिए। आप खुश होकर आ गए और सामने वाला आपके साथ एसोसिएट नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जीत हो गई, ये जीत करने नहीं है ना, मैंने शुरू में बोला था आप जीतने नहीं गए, आप उनको अपने साथ लाने गए, वो जीतना चाहिए, वो खुश होना चाहिए, देन हमारा बिजनेस चालू होने वाला है। अगला मैं जो तो जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं नेटवर्क बनाने में कामयाब होऊंगा या मेरे लोग नेटवर्क में आएंगे, लोग काम करेंगे? तो बोलो सर आई वेरी एक्साइटेड सर, ये तो बहुत सिंपल सवाल है सर और इसमें थोड़ा थ्योरी है सर, इसके लिए सिस्टम को आप अवेयर कीजिए। अब यहां पर आपको सिस्टम प्रमोट करना है सर, ये आपकी कलाकारी नहीं है, यहाँ पर हमारे जो मेंटर लोग हैं, यहाँ पर एक ऐसे ऐसे लोग सर यहाँ पर डेवलप हुए हैं, ऐसे ऐसी ट्रेनिंग सेशन है सर हमारे, बस आपको लोगों को ट्रेनिंग में डालना है, लोगों को सिस्टम में डालना है सर। यहाँ पर ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लोग, चौथी क्लास लोग, पांचवी क्लास लोग, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, मजदूर लोग, हर टाइप का आदमी डायमंड बना सर, क्यों? क्योंकि सर सिस्टम की बेस्ट एजुकेशन है सर, तो नेटवर्क में ये गारंटी देता है सर सिस्टम। अगर आप सिस्टम की हर बात को मानते हैं, सिस्टम को आइडेंटिफाई कर दीजिए यहाँ, फिर देखिए आप क्या जादू होने वाला है। यहाँ हमको अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना है, अपने को बढ़ाने का बनाना है, अपने को सिस्टम को बढ़ाना। बोला यस। बोलो सर देखिए ना सर, एक आध ट्रेनिंग दिखा दीजिए, किसी की ट्रेनिंग पढ़िए सर, देखिए कितना बढ़िया सिखाते हैं, देखो अगर लोगों को सिखाएंगे, और दुनिया में हर चीज सीखने से होती है सर, एक आध सीखने के ऊपर आप अपनी एक आध देसी तैयारी कर जाइए। बोला सर सीखे सीखे सीखेंगे, भरवर डेली एपी से पुरानी कहावत सुनी होगी सर आपने, हमारी दादी बोलती थी हमारी मम्मी से, तो ये तो आपने सुना ही होगा। बोला बिल्कुल सुना है, तो सर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जुड़िए, आप काम चालू करिए, आप उसकी आगे की समस्या के लिए हमारा पूरा सिस्टम है और हमारी पूरी सीनियर टीम है जो हमको मदद करती है, वरना सर मेरा जैसा इंसान कहां से टीम बना पाता सर, मैं नहीं सिखा सकता था। ये जो आप देख रहे हैं मुझे बोलना, जो मुझे बात करना, टाई लगा के बैठा हूं, ये सब कुछ किया है, वो सारा क्रेडिट आप सिस्टम को और अपने मेंटर लोगों को दिया, फिर देखो क्या जादू होने वाला है। पांचवा, अगर कंपनी भाग गई तो इस पे तो मुस्कुरा जाओ, क्योंकि इस सवाल का अब दम रहा नहीं, 21 साल हो गए अब इस सवाल में कोई दम रहा नहीं है। बोला सर अब इस सवाल में कोई दम इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने जितनी भगानी थी और बंद करनी थी सब कर चुके हैं, अभी तो सर चलने वाली है, 21 साल पुरानी है, मैं पहली बता चुका हूं, तो इसमें कोई दम है नहीं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में कोई मजा आए नहीं मेरे को। हाँ इस सवाल में थोड़ा मजा आए, जीवन साथी मना कर रहा है, करता है, इसमें बहुत एक्साइटमेंट है इस सवाल, बस आपको क्या करना है सुनना जाएगा। तो सर आप मुझे बताइए, उससे पूछिए सर उस मूड में, सर जीवन साथी भी क्यों मना, कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा सर, है कोई जीवन साथी को सर क्या ऑडी बीएमडब्ल्यू या घर या बच्चों को बढ़ा रहा अच्छा अच्छा नहीं लगता सर, है? तो कई बार आदमी है ना घुमा रहा होता है और सवाल उल्टा कर रहा होता है, तो आपको एंजॉय करना है, आपको बुरा नहीं मानना है और उसको धीरे से पूछना सर बुरा नहीं मानना, फिर एक सवाल एक लाइन हमेशा सर बुरा नहीं मानना, कोई भी जीवन साथी ये नहीं चाहता कि आप अपने सपनों के घर ना बने, वो तो चाहता है, पूछ लो आप पूछ लीजिए। बोले हाँ यार, तो जब आप कन्विंस करेंगे और आप बोलो सर नहीं मानना है ना आपकी, तो आप क्या करिए सर एक मीटिंग में ले आइए और फिर देखिए सर वो कैसे
है ना, फिर आप रिलेट कर देंगे और मीटिंग में लाना प्रमोट कर देंगे, सिस्टम को प्रमोट करना है यहाँ भी। और आप देखना सिस्टम का जादू बैंकर जादू चलता है। बहुत सारी मैडम है जो नहीं मानती थी, जब सिस्टम में आई तो उन्होंने साथ देना चालू कर दिया। बोलो पवन जी, ऐसे नो, ऐसे हमारे नेटवर्क में कई एग्जाम्पल है। तो यहाँ सर हमारी 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 सर जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करो, हम मनवा लेंगे, बस आपको हमारे सिस्टम को फॉलो करना है। सर आपको क्या करना है उसका जवाब दे दीजिए मोहब्बत के साथ, रिजल्ट आना कन्फर्म। और ये सब बारह बार करना, हर 24 घंटे में करना, इसका विशेष ध्यान देना। दूसरा, पिताजी मना कर रहे हैं, इसका भी वही इलाज है सर। पिताजी मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिताजी को नहीं पता कि आपका जीवन यहाँ से कितना बदल सकता है, कितने लोगों का बदला है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पहले पिताजी का सम्मान कीजिए, उनके माँ बाप का। कभी उल्टी बात मत कीजिए माँ बाप के बारे में। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि हमने माँ बाप की नहीं मानी। अरे आपने नहीं मानी, आपका केस अलग था। ये माँ भक्त है, ये बापू भक्त है, तो इसके सामने ऐसी बात करोगे तुम्हारा बंद कर देगा सॉकेट। तो उसको उसी हिसाब से आपको हैंडल करना है। बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं फादर, बिल्कुल सही हैं, उनकी कोई गलती नहीं है सर। मैं पर जरूर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनके एक मीटिंग अटेंड करा दीजिए पिताजी को। और वादा है सर, उसके बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको। एक बढ़िया फंक्शन में बिठा दो, बढ़िया ट्रेनिंग में बिठा दो, और बताओ रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते। फादर आएगा, वहां सम्मान देखेंगे, सारी चीजें होंगे, रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं कि नहीं। कई बार आदमी सिस्टम को प्रमोट नहीं करता, कई बार आदमी अपलाइन को प्रमोट नहीं करता और रिजल्ट खो जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सर रिजल्ट नहीं आ रहे। 90% लोग यही गलती कर रहे हैं छोटी छोटी। दोस्तों उत्पाद महंगे हैं, इसमें तो दम ही नहीं रहा, क्योंकि सर महंगे और सस्ते तो केवल हम शुरू से बता के चले आए सर, वो इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 2.5 लाख की घड़ी भी सस्ती लगेगी, वरना 2,500 रुपए की भी घड़ी और 250 रुपए की भी महंगी लगेगी। तो सर वो मुद्दा महंगा सस्ता तो होता ही नहीं। जो चीज आपको लाखों रुपए कमा के दे दे, करोड़ों रुपए कमा के दे दे, सर वन टाइम है, आपको ले सकते हैं, बार बार आपकी चॉइस है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और आप घर के लिए लेते ही हैं सर, ऐसी कोई चीज नहीं दिला रहा जो यूजलेस है, आप जो चाहते हैं वो ले लीजिए। क्योंकि अपने पास आज 250 प्रोडक्ट की रेंज है। पहले बोलने में थोड़ा सवाल में थोड़ा दम नहीं था, पहले हम सोचते थे क्या जवाब दें क्योंकि सूट ही था। अभी तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक महागुरु जी लोगों के लिए जोरदार ताली बजाई है यहाँ पर। मेंटर लोगों ने हमारी ने पूरी रेंज लगवा रखी है, और अभी तो हमको कमिटमेंट किया कि टाइगर और लाइन लगा देंगे, अभी लाइन लगा देंगे 200-250 प्रोडक्टों की। हम तो एक्साइटेड है एकदम, तो इसमें तो दम ही नहीं है। बस आपको है ना मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, समझते हुए हर बार ऐसे जवाब देना है, एक्साइटेड रहना है। पवन जी नमस्कार, ये 12 बार नमस्कार करोगे, बोलेगा यार ये नमस्कार ले, पैसे ले जा मेरा पीछा छोड़, तो बहुत ताकत होती है थोड़ी सी, लिटिल बेसर में, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। बोले सर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं, पर सर मदद तो कर सकते हैं ना दूसरे की वजह से। अगर आपकी एडवाइस से किसी की जिंदगी बदल जाए तो सर मुझे लगता है कि आपको ये एडवाइस देनी चाहिए एज ए इंसानियत। तो पैसे को हटा दो, क्योंकि इसको पैसे से नफरत है, क्योंकि ये तुर्क पैसे की जरूरत है, पर ये घुमा रहा है, घुमा रहा है, और आपको घूमना नहीं है। जब आदमी घुमा रहा है तो आपको घूमना नहीं है, आपको बस उसको हटा देना, क्योंकि प्रॉब्लम उसको इससे है, पैसे की जरूरत है। बोले सर कोई बात, आप आशीर्वाद दीजिए हमको, और आप कुछ लोगों से हमसे मिलवाइए, और धीरे धीरे आप जब उससे 11-12 बार मिल लोगे ना, उसकी साइकोलॉजी समझ लोगे और पता चल जाएगा इसको पैसे की जरूरत है, बस फिर क्या है। 12 बार में तो फिट कर देने का मामला, अगर मामले फिट नहीं हो रहे ना, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो 12 बार आप मिल रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और हर 24 घंटे में मिलना है ना, 48 होने देना ना बेहतर, 24 घंटे में, याद रखिए इस बात को। अभी तो जूम पे मिलिए, और जूम पे तो हर 2 घंटे में मिल सकते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। बोला लिंक भेज दो सर, मूड है, वैसे भी घर में आप बैठे हो, वैसे भी हम भी बैठे हैं। हमने बोला सर वैसी चर्चा कर लेते हैं, बिनिस की चर्चा नहीं करेंगे सर, तो वैसी बात कर लेंगे, फिर धीरे धीरे फिर हमें बिनिस, हमें तो घूम के कहाँ आना, हमारा तो वही है भाई, सब बोलेंगे पर हमें तो वही लाना, घूटा अपना वही गाड़ना, सबकी बात सुननी, घूटा वही गड़ेगा, हमारी चौधरों की कहावत है, घूटा वही गाड़ेंगे। तो दोस्तों हमारा भी यही है, हम तो करें, हमें तो वही लाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, हमारे मेंटर लोग बोलते हैं कि भैया गोबर डाल गिरेगा धरती पे तो कुछ ना कुछ लेके उठेगा। तो हम तो नेटवर्क है, जब किसी से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे या कुछ ना कुछ सिखाएंगे, हम तो कुछ ना कुछ लेंगे, आदान प्रदान का काम है हमारा, और हम इसको एक्साइटमेंट के साथ करें। कई लोग परेशान हो जाते हैं, सर मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, डीडी नहीं देता, अरे मोहब्बत कर ले, पता नहीं कब जग जाए। और कई लोग तो लेट जग के डायमंड बने, हमको देख रहे हैं 6 महीने करेगा, 1 साल करेगा या कितने साल करेगा, बोले तू डायमंड बनेगा तो मैं करूंगा। ऐसे भी ऐसे लोग हैं, तो उनसे हमेशा रिश्ते बना के रखो, नमस्कार करने में बड़े चमत्कार हैं जी, और लास्ट में मैं संतुष्ट हूं, ये सवाल में बिल्कुल दम नहीं है जी, बस आदमी इसलिए बोल रहा है। और आप एक बार में इसको समझाने की कोशिश करते हो, पूरे इंजेक्शन एक बार में मत लगाओ, इसलिए बने रहो, संबंध में रहो, ये भी आएगा, रिलेशन में रहो, एक दिन ये पक्का आएगा, क्योंकि धरती पर कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है, कोरोना ने यह बता दिया,
बस आपको रिलेशन बिल्ड करके रखनी है, बॉन्डिंग बनानी है, उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा, बस आपको उसको नमस्कार करते रहिए, उससे रिलेशन बिल्ड करते रहिए। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ जो मेंटर लोगों से सीखा और सिस्टम से और जो मेरा पर्सनल एथिक्सली जो सीखा है, और चीजों को समझने के लिए मैं ज्यादा, क्योंकि समय कम है, मैं अपनी बात को विराम की तरफ ले जा रहा हूँ। अब आपको और ज्यादा गहराई की तरफ उतरना है, उसके लिए दोस्तों प्रगति सूत्र का आप सहयोग लीजिए। सवाल सारे हैं इसमें, 62 सवाल किस तरीके से आते हैं उसका उपयोग कीजिए। सेफ स्वॉप क्या है, कैसे काम चलता है, इसका उपयोग कीजिए, इसको समझिए, पढ़िए, और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे और आपका एक 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 साइकोलॉजी बनेगा, एक तरीका बनेगा आपका काम करने का, और बहुत अच्छे आप अच्छे फॉलोअप करने वाले लीडर बन जाएंगे। अब लास्ट में जाते जाते दोस्तों मैं कुछ बातें और बता देता हूं। इस सब फॉलोअप को करने के बाद फिर हमें करना पड़ेगा अपना फॉलोअप। सबसे बड़ी महावारत क्या होती है, आदमी दुनिया का फॉलोअप करने से पहले अपना फॉलोअप नहीं करता। और मैं हमेशा शुरू से बोलता आया हूं, जो अपना फॉलोअप नहीं कर सकता वो कभी ना तो लखपति बन सकता ना करोड़पति। दोस्तों सुबह उठने के लिए फॉलोअप लगता है, बात करने के लिए फॉलोअप लगता है, और गाली खा के उठने के लिए फॉलोअप लगता है, बुरी सुन के खुश होने के लिए फॉलोअप लगता है, अपने को खुद ही कंधे पर बोलना पड़ता है शाबाश ठीक अंदर शाबाश क्या लागे बढ़, इसके लिए फॉलोअप लगता है ना। कोई फोन करे ना करे उसके बाद मोटिवेट होने के लिए फॉलोअप लगता है। फॉलोअप इज द लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और अपनी मदद करने के लिए फॉलोअप लगता है। ऐसा मेरा पर्सनल फील रहा है कि आप अपना फॉलोअप कर सकते हैं तो दुनिया में किसी का फॉलोअप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, हमें परिवार का समय समय पर फॉलोअप करना पड़ता है। थोड़े हम ज्यादा पैसे कमा ले तो हमारे घर वाले बोलते हैं अब तो बहुत आ गए, अब तो आराम कर ले, तो उनका फॉलोअप करना पड़ता है। देखो आने बंद हो जाएंगे इसलिए जाने दो, तो उनका फॉलोअप करना पड़ता है। कई लोगों को जल्दी कोई एमरल्ड बन जाते हैं, बहुत पैसे आ जाते हैं, कार आ जाती है, मैडम बोलती है अब कहाँ जा रहे हो, अब तो ढीमे 2500 की अब तो कर रही होगी वो अपने आप, तो मैडम को बोलना पड़ता है सुन भाई ये फॉलोअप लगता है। तो मैडम का फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, अपने मम्मी पापा का, मम्मी पापा इट जा देते हैं कई बार क्या भाई तेरी शादी कर देते हैं, अभी काम चालू हो गया तेरी कार आ गई, अरे भाई डायमंड से पहले हमारे माधुरी जी लोगों ने मना कर रखी है प्लॉट खरीदने की, शादी करने की, तीन काम हमसे मना कर रखे थे, ना तो मैंने शादी करी ना मैं प्लॉट खरीदा डायमंड से पहले, तो वो मना कर रखे थे इसलिए किया नहीं। और डायमंड से पहले बच्चा भी नहीं करना, पापा भी नहीं बनना, ना मम्मी बनाना किसी को ना पापा बनना, तो ये मना कर रखा था, तो ये भी नहीं किया हमने। तो परिवार का फॉलोअप करते रहना इस चीज में, है ना। और अपनी टीम का तो बहुत जबरदस्त फॉलोअप लगेगा ही हमेशा, ऑलवेज बड़ा काम करने के लिए टीम का फॉलोअप करना है। और हमारे मागुरु जी लोगों के लिए ताली बजाओ, हमारा फॉलोअप करते रहते हैं, आज भी हम नीचे करते रहते हैं, तो ये फॉलोअप प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। चौथा, नए लोगों का फॉलोअप करते रहना है, हमेशा करते रहिए, एक्साइटमेंट के साथ करते रहिए। और लास्ट में बहुत सारे कर्म करने के लिए, हमें अच्छे कर्म करने के लिए बहुत सारा फॉलोअप लगता है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कर्म आपको भोगने पड़ेंगे, अगर अच्छे करोगे तो अच्छे भोगोगे और बुरे करोगे तो बुरे भोगोगे, कर्म कोई दूसरा नहीं भोगेगा, फल आपको ही भोगना पड़ेगा। दोस्तों आज मुझे बताते बड़ी खुशी है कि जो भी आप करते हैं अपने कर्मों की वजह से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों एक एक्शन, एक कर्म मुझे बताने का मेरे मागुरु जी लोगों ने मौका दिया था। और दोस्तों इस कर्म को मेरे को एक चीज लास्ट में समझाई गई थी, इस बिजनेस में जब मैं आया था, मेरी सेल्फ स्टोरी को आपको बता रहा हूँ, मेरी सक्सेस का एक राज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे गुरु जी लोग यहाँ बैठे हैं, मेंटर लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने हमेशा बोला था बेटा इस बिजनेस को कभी छोड़ना नेवर, क्योंकि छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी छोड़ता। दोस्तों इस पूरे कई बार ऐसी लाइफ में ऊपर नीचे हुआ, कई बार जब हम जर्नी कर रहे होते हैं कई चीजें इमोशनल ऊपर नीचे होती हैं, कई चीजें नीचे आएंगी कई ऊपर होंगी, पर आपको इस बिजनेस में एक बात समझनी है जो हमेशा हमारे बड़े बड़े लीडर भी बोलते हैं, योगेश जी भी हमेशा बोलते हैं कुछ भी करना बेटा इस बिजनेस को मत छोड़ना, तो इसको कभी छोड़ने का नहीं। अगर आपने नहीं छोड़ा है ना, कई लीडर बोलते हैं, पवन जी को भी सुना है, ताराचंद जी, कई लीडरों को मैंने सुना है, रामकिशन जी को सुना है, ये सारे लीडर एक बात बोलते हैं और ये मुझे भी समझ में आया महागुरु जी लोगों से। महागुरु जी हमेशा बोलते हैं बेटा छोड़ने का नहीं, क्योंकि छोड़ दिया, देखो इसने अगर छोड़ दिया जानवर ने, तो नार छोड़ दिया अंदर ले लेगा, बोला राम नाम सत्य है, सत्य बोलो भक्त। तो दोस्तों ऐसी जिंदगी है, जब आप सेफ शॉप को छोड़ देते हैं तो आपकी BMW आने का मौका खत्म है ना, सपनों का घर, लग्जरी घर बनने का मौका खत्म, और लाखों की इनकम खत्म, सपनों की कार खत्म, एवरीथिंग खत्म। तो मेरा एक और मैसेज है, फॉलोअप का भी यही रूल है, जब तक जुड़ ना जाए और डायमंड बन ना जाए तब तक लगे रहो।